इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताऊं, केंद्र सरकार ने राज्यों से कह दिया है कि जहां भी जरूरी हो वो कर्फ्यू लगाएं। केंद्र का कहना है कि लोग लॉकडाउन के आदेश के बाद भी घरों से निकल रहे हैं, इसलिए कर्फ्यू लगाना जरूरी है। एक और बड़ी खबर यह कि यूपी में एक और जिले शामली को लॉकडाउन कर दिया गया है, तो 18 जिले हो गए हैं जहां पर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। 18वां जिला शामली है जिसे लॉकडाउन किया गया है। 27 तक पूरे प्रदेश को लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया है। संख्या यहां पर 34 है मरीजों की, 11 इनमें से ठीक हो गए हैं। 1,00,000 से अधिक की संख्या पिछले 10 दिनों में आई है। आज हमारे 18वां जिला भी लॉकडाउन हुआ है जो शामली है, लेकिन हम लोगों ने कल से लेकर के 3 दिन के लिए यानी 25, 26, 27 इन 3 दिन के लिए पूरे प्रदेश को पूरी तरह लॉकडाउन करने के लिए निर्णय लिया है। और ये निर्णय हम लोगों को इसलिए लेना पड़ा है कि जिस तेजी के साथ यहाँ पे कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ी है, अब तक ये संख्या 34 हो चुकी है, यद्यपि 11 रिकवर भी हुए हैं, लेकिन सावधानीवश 1,00,000 से अधिक की संख्या जो पिछले 10 दिनों के अंदर आई है, आज जो शामली में पेशेंट पाया गया है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, यह व्यक्ति सऊदी से 15 मार्च को आ चुका था।